एमे का हो रही अमृत कुंड में? इसमें एक जल लेकर के बाबा जी चार जीव जिलाए, चार जीव जिलाए हैं मरे हुए को। कौन कौन थे? आज हम लोग निकल चले हैं बाबा गुरु घासीदास के जन्म स्थली गिरौदपुरी धाम। गिरौदपुरी हमारा बिलासपुर से 80 किलोमीटर दूर बलौदा बाजार ज़िले में है, और बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर की दूरी पर ही है। चलते हैं बाबा गुरु घासीदास के जन्म स्थान गिरौदपुरी में। गिरौदपुरी में आप आएंगे तो सबसे पहले जैतखम्भ देखने को मिलेगा। 435 सीढ़ी से बना हुआ ये 235 फीट ऊंचा जैतखम्भ जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जैतखम्भ के बाद बाबा गुरु घासीदास की तप स्थली जहां वो तपस्या किए हैं, अखंड ज्योति जलती है, वहां आपको जस्ट जैतखम्भ के बगल में मिलेगा ये स्थान बाबा की तपस्या भूमि। और यहाँ आप अखंड ज्योति देखने को मिल जाएगी, जलती हुई ज्योति। यही स्थान है जहाँ बाबा तपस्या किए थे, जो रेलिंग के अंदर है स्थान। बाबा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध, हमारे गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ के लिए पूरी प्रसिद्ध माना जाता है हमारा बाबा का जन्म स्थान गिरौदपुरी। उसके आगे आपको अमृत कुंड, चरण कुंड मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं चरण कुंड देखते हैं। चरण कुंड का जो पानी है छोटे से ही कुएं के रूप में हमेशा भरा रहता है, और एक तरह से प्रसाद के रूप में इसे लोग पीते हैं। और हमारे सतनामी समाज नहीं, पूरे समाज के लिए यह प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। चरण कुंड का पानी यह कभी ख़राब नहीं होता है, लोगों का इसी मान्यता है। और ये चरण कुंड आप देख सकते हैं, ये चरण कुंड का ही पानी है। स्थान वही स्थान है जहाँ बाबा चरण कुंड है। चरण कुंड से जस्ट आगे आप जाएंगे तो अमृत कुंड है। एमे का हो रही अमृत कुंड में? इसमें एक जल लेकर के बाबा जी चार जीव जिलाए, चार जीव जिलाए हैं मरे हुए को। कौन कौन थे? पहला हिरण का बच्चा जिलाए हैं, दूसरा एक गोपाल गुंटिया का मरार है उसका बच्चा जिलाए हैं, बुधारू नाम के बालक को जिलाए हैं, और एक अपने पत्नी सफरा माता को। सफरा माता को कैसे समझे, उनका क्या कहानी है? अब कहानी तो बहुत लंबा है, मुझे लेकिन साठ हम बताऊँ। हाँ बताइए। तो बाल अवस्था में था ना बाबा जी, तो सब खेलने कूदने गए थे जंगल, तो उनके साथी थे जैसे कि दो साथी आए हो, तो चरण कुंड से अमृत कुंड आए। वह है कि बाबा जी गांव में खेलते हैं कि कहीं जंगल चला जाए खेलने कूदने, तो कहे कि किस जंगल में जाना है, तो बाबा जी को कहे कि विकट वन हमको जाना है। और तो खाना पीना खाया सवेरे, फिर बाबा जी अपने विकट वन आ गया, और जो संगवारी थे दो चार वो चला गया सुंदर वन। सुंदर वन जाने के बाद खेला कूदा, जब शाम हो गया ना तो फूल देखा बुधारू नाम के बालक, तो कहे कि साथी हो तुम यहीं बैठो और मैं फूल तोड़ के आता हूँ। तो फूल तोड़ने गया ना तो बाबा जी का परीक्षा लेने के लिए काल निरंजन सर्प के रूप धारण करके वहाँ बैठा था, वो काट दिया उनको बाबा को, ने बुधारू नाम को बालक को। बाबा जी विकट वन में हैं, वो सुंदर वन गए थे वो लोग, तो वहाँ काट दिया, उसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचे फूल तक, फिर वो काट दिया काली नांग बन करके काल निरंजन। वो गिर गए नीचे धरती पे, गिरने के बाद कहे कि भाई अब क्या होगा, तो कहे कि हम लोग अब क्या करें, इसका माता पे तो क्या जवाब देंगे। तो दो चार साथी सोते हैं कि भैया बाबा जी के पास चलो, घंसे के पास विकट बन गए हैं, तो इतना साथी आए हो तो दो चार अपना साथी ले करके विकट बन गया। विकट बन जाने के बाद बाबा जी का चरण स्पर्श किया, पूछा बाबा जी कि कैसे संगी हो, सब बढ़िया हो। कहे कि हम क्या बताएं बाबा जी, आपको हम पहले धोखा दे दिए तो खुद का हम धोखा खा गए। कहे कि वो कैसे? कहे कि बुधारू नाम को बालक है हमारा साथी, उनको सांप काट दिया, तो आप चलिए। बाबा जी आया, फिर आने के बाद देखा तो वो मर गया था, तो बाबा जी वहाँ फिर अपना
नाम जप के सतनाम पिता का नाम लेकर के सतपुरुष के नाम लेकर के वहाँ जल पैदा किया। पैदा करने के बाद फिर रगड़ा पत्ता को, फिर जल आया, जल आकर के उसे मुख में डाला, फिर बुधारू जय सतनाम करके उठ गया है। उठने के बाद साथी लोग को कहे कि संगवारी में बहुत गहरा नींद सो रहा था, आप लोग जगा दिया मेरे को। कहे कि वैसा नहीं है साथी, तुमको सांप काट दिया था और ये घसिया बाबा है ना, ये तुमको जिंदा किया है। ऐसे कहे उसके बाद अपना अपना घर आ गया। शाम को अपने घर परिवार को बताया, दादा दादी चाचा मामी मामा जो है अम्मा पापा को, विश्वास नहीं किया। अब छोटे बच्चे हैं उनका विश्वास कौन करेगा ऐसे टाइप से। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद ना, बीतने के बाद गांव वाले को इकट्ठा किया, भैया यहाँ रख देता उसमें जाल डालने से क्या फायदा, जंग लग जाता है इसमें जी, एक रुपया रख देगा दो बत्ती आएगा दो दिन जला सकता हूँ, कलक जलाता हूँ हाथ में। तो बाबा जी विश्वास नहीं किया। उसके बाद गांव वाले को इकट्ठा किए, फिर कहे चलो गांव वाले लोग यहाँ रख दो दादा, चढ़ाना तो एक दो रुपये, फेंकना नहीं है, कि चलो मैं सफरा माता को जिलाऊँगा शमशान घाट, चलो। तो विश्वास नहीं किया बाबा जी की बात। गांव वाले कहे कि ये भैया हो गया पागल हो गया, ऐसे समझो घसिया को। फिर बाबा जी गांव से यहाँ आया, फिर तो चरण कुंड है, पांच ठो धुनी लगा है बड़े मंदिर के पास, पांच मंदिर है ना, वहाँ धुनी लगाया था, वहाँ नाम बाण जपन किया बाबा जी सब नाम का धुन से। वहाँ से फिर चरण कुंड आया जो फर्स्ट कुंड है, उसके बाद फिर यहाँ आया। यहाँ आने के बाद सतपुरस बाबा घासीदास स्वामी जी जब कहे कि घसिया ये आपको मैं यहाँ से जल दे रहा हूँ और एक कमंडल दे रहा हूँ, इस जल से आप जो करना चाहते हैं वही होगा। तो बाबा जी बोले कि मैं क्या विश्वास करूँगा आपका, मेरा बेटा भी घर लिया तुम ले गए, नर्सिंग रूप होकर के ले गए उनके बच्चे अमरू को, जंगल आया था लकड़ी काटने तो भगवत रूप होके ना उसको अमर लोक ले गया था, मेरा पत्नी भी हर लिया, मेरा धन दौलत भी हर लिया, मैं क्या परीक्षा करूँगा, क्या विश्वास करूँगा। कहे कि नहीं घसिया ऐसा नहीं होगा, आप विश्वास करो इसमें जल ले जाओ, ये कमंडल है, सतपुरुष बाबा यहाँ से जल निकाल के कमंडल निकाल करके दिया, और देने के बाद रास्ते में ना एक हिरण के बच्चा ख़त्म हो गया था, उनको फिर पहले वो जिंदा किया। उनका महिमा देखा बाबा सतपुरुष का, तो अपने मुख में डाला उनका हिरण के बच्चे का, फिर जिंदा होकर के उसके माई पास चले गए। जैसे कितने साथी आए हो, किसी का तबीयत खराब हो गया तो छोड़ कर नहीं जा सकते, अस्पताल ले जाओगे या कुछ, जैसा ऊपर तबीयत खराब है उस हिसाब से इलाज पानी करवाएंगे, उस हिसाब से ना अपने म्यारी के पास चला गया हिरण के बच्चा। उसके बाद फिर वो गांव चला गया, गांव में मरार गौटिया था गोपाल नाम का, उनका कहे कि ये अभी अभी बच्चे ख़त्म हुआ है, इनको पहले जिलाओ तब हम यकीन कर लेंगे। फिर यहीं से जल लेकर के गया था, हिरण के बच्चे जिलाया, उसके बाद वो बच्चा जिलाया फिर गौटिया का, फिर जिंदा मुख में अमृत डाला, डालने के बाद अपना वो गौस्थान चला गया गुटिया के यहाँ। अब गांव वाले भी विश्वास किया कि हाँ अब ये जिला सकता है सफरा माता को। फिर वो शमशान घाट गया, पूरा गांव वाले लोग जा करके सफरा की लाश निकाला, निकालने के बाद फिर यहाँ जो कुंड है ना, समाधि लिया था बाबा जी, वहाँ ला करके फिर ये जिंदा किया, इसी जल से जिंदा करने के बाद फिर वो चला गया तिलासी भंडार, वहाँ से फिर बाबा जी और सफरा माता दोनों अंतर ध्यान हो गए। तो कहे कि जब तक के ये कलयुग रहे या द्वापर आए कि त्रेता आए, जितना मेरा महिमा निशान है वो जितना जीव आएगा जन्म लेके, मरना और जीना तो वही है, आज जन्म लेके आए हैं तो कल जाना है, जब तक इंसान रहेगा तब तक कि ये मेरा जितना भी निशान और महिमा है वो पूरा पूर्ण रहे, ऐसे करके वरदान मांगा। तो इसी के नाम से इनको ना अमृत कुंड के नाम से जानते हैं। पानी धारा के